आज राजनीति बहुत स्थानीय है, तो स्थानीय लेवल पर हमने अपना संगठन बनाया। सर, आप हमेशा ये कहते हैं कि पुलिस पैसा प्रशासन के दम पर बीजेपी ने किया है, आपने आज फिर से एक बार बात कही थी कि पुलिस पैसा प्रशासन, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसके बाद हमारी बारी है। बिल्कुल, बीजेपी के पास बचा क्या है, उनको कहने लायक क्या है। आज चौपट मध्य प्रदेश, हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा छोटा व्यापारी, आज सब ये परेशान घूम रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी के 18 साल का परिणाम है। सर, लगातार आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, और आप एक चीज कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो काम किया है उसकी तुलना में हम ज्यादा काम करेंगे। कांग्रेस का जो वचन पत्र है भारी भरकम है। बजट सर कहां से आएगा? 900 के करीब प्लान है। हमने सोच के किया है। मैंने जब कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, शिवराज सिंह जितना झूठ बोल रहे हैं। 27 लाख किसान मध्य प्रदेश के मेरे गवाह हैं कि पहली किस्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरी किस्त शुरू हुई थी, अब आगे आने वाले समय में हम बाकी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सर, लगातार एक फिल्मों को लेके भी बयानबाजी शुरू होती है कि जय और वीरू की जोड़ी है, फिर गब्बर का नाम आ जाता है, ये सब देखिए चलता रहता है। अंत में मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमलनाथ जी, जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर उनका पूरा भरोसा है और एक बार कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 छिंदवाड़ा।